नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम एक बार फिर से। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे और चेक करेंगे डिजो वॉच एस। तो चलिए दोस्तों, कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, चेक करते हैं इस वॉच को, देखते हैं कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी है, कैसी इसकी डिस्प्ले है, क्या इस वॉच में खास है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, सब्सक्राइब कर दिया करो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ ये बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे लिखा डिजो वॉच एस और ऐसा कुछ डिज़ाइन इस वॉच का। और डिजो जो है दोस्तों रियलमी का ही ब्रांड है वैसे। एंड यहाँ पे अगर हम बॉक्स में देखें तो इसमें आपको 1.57 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, 110 से भी ज़्यादा इसमें आपको स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं। एंड इसमें आपको हार्ट रेट सेंसर और SPO2 सेंसर मिल जाता है, ये वाटरप्रूफ है। एंड यहाँ पे आपको 7 डेज की बैटरी लाइफ मिल जाती है एंड 150 से भी ज़्यादा वॉच फेसेस इस वॉच में आपको मिल जाते हैं। एंड यहाँ बैक साइड देखें तो इसमें आपको दोस्तों 200 mAh की बैटरी मिल जाती है। एंड यहाँ पे प्राइसिंग देखें तो 4000 प्राइसिंग दे रखी है बॉक्स में, बट ये हमने लॉन्च प्राइस में 2000 में परचेज करी थी वॉच फ्लिपकार्ट से। एंड ये ब्लैक कलर है, बट ये आपको सिल्वर कलर और गोल्डन कलर में भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बॉक्स ओपन कर लेते हैं, निकालते हैं इस वॉच को बाहर। तो दोस्तों, ऐसे कुछ बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे ये यह हमारी स्मार्ट वॉच, इसको रखते हैं थोड़ा साइड में। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल मिल जाती है वॉच को चार्ज करने के लिए। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको एक डिजो का कार्ड मिल जाता है, यहाँ पे सर्विस सेंटर के लिए नंबर वगैरह दे रखा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो डिजो को। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है, ये देखिए, चाहो तो आप इसे पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे कुछ पैकेजिंग दे रखी है इस वॉच की, यहाँ पे पैकेजिंग काफ़ी अच्छी दे रखी है। एंड दोस्तों, जो वॉच का वेट है वो भी काफ़ी मतलब फील हो रहा है, ये मेटालिक फ्रेम के साथ आती है, प्लास्टिक फ्रेम नहीं है, जो कि एक अच्छी क्वालिटी का साइन है। तो दोस्तों, ऐसे कुछ वॉच आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, आपको इस वॉच का पहले फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों, ये जो बकल दे रखा है ये मेटालिक बकल है। एंड यहाँ पे आप स्ट्रैप देख सकते हो, स्ट्रैप में यहाँ पे डिजो लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे दोस्तों, अगर मैं स्ट्रैप की बात करूँ तो स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दे रखी है, एकदम सिलिकॉन सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ स्ट्रैप है। एंड यहाँ पे आप स्ट्रैप इजीली चेंज कर सकते हो, तो स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दे रखी है। एंड यहाँ पे अगर दोस्तों मैं डायल की बात करूँ तो इस वॉच में दोस्तों आपको मेटालिक फ्रेम मिल जाता है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दे रखी है। एंड यहाँ पे एक बटन देखने को मिल जाता है आपको। एंड यहाँ पे डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ दोस्तों, ये जो ग्लास है साइडों से 2.5D कर्व ग्लास है। एंड यहाँ पे ग्लास में भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी कर्व देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे अगर बैक साइड देखें तो यहाँ पे आपको हार्ट रेट सेंसर और SPO2 सेंसर देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी जो दे रखी है इस वॉच की काफ़ी अच्छी दे रखी है। तो चलिए वॉच को अभी हम ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों, वॉच अभी हमारी ऑन हो चुकी है, तो चलिए इसे फ़ोन से पेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों, फ़ोन से पेयर करने के लिए आपने ये ऐप अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लेनी है डिजो, एंड मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है ऐप। तो यहाँ पे दोस्तों आपने इस ऑप्शन में आना है, कनेक्ट डिवाइस। एंड यहाँ पे आपने अपनी वॉच का मॉडल सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारे पास है डिजो वॉच एस, तो देखिए यहाँ पे हमारी वॉच शो कर रही है। तो यहाँ पे आपने वॉच में से इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, वॉच अभी हमारे स्मार्टफोन से पेयर हो चुकी है और ये यूज़ करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो चलिए पहले आपको इस वॉच का UI दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इस मोबाइल ऐप को भी चेक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे एक अपडेट आ चुकी है इस वॉच की, तो चलिए इस वॉच को अपडेट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो वॉच है हमारी अपडेट हो चुकी है। दोस्तों, ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप स्लाइड करते हो तो यहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे इस वॉच में। एंड दोस्तों, इस साइड अगर आप स्लाइड करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी कितनी चार्ज है इस वॉच में। एंड यहाँ पे देखिए आइकन शो करता है कि वॉच हमारे फ़ोन से कनेक्टेड है। एंड यहाँ पे आप डे और डेट भी देख सकते हो। एंड यहाँ पे आप देखिए डू नॉट डिस्टर्ब को अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। एंड यहाँ से दोस्तों आप ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो इस वॉच में। एंड यहाँ से आप रिस्ट राइज को अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप टॉर्च भी यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप देखिए फुल स्क्रीन देख सकते हो इस वॉच की। तो यहाँ पे जो बेजल्स है वॉच में वो काफ़ी थिन दे रखे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड इसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे सेटिंग में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट में यहाँ पे डायल का ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ से आप देखिए वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो। तो काफ़ी सारे वॉच फेसेस आपको इस वॉच में मिल जाते हैं। एंड आप ऐप के थ्रू भी काफ़ी सारे वॉच फेसेस को अपडेट कर सकते हो। एंड दोस्तों, इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है, तो ब्राइटनेस आप चेंज कर सकते हो। डिस्प्ले की ब्राइटनेस दोस्तों इस वॉच में काफ़ी अच्छी दे रखी है, तो ज़्यादा ब्राइटनेस करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। एंड यहाँ पे आपको देखिए स्क्रीन ऑन टाइम का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ आप स्क्रीन ऑन टाइम चेंज कर सकते हो। तो मैक्सिमम जो है यहाँ पे 15 सेकेंड्स का आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है इस वॉच में। एंड दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे देखें तो आपको मेन्यू स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस वॉच में दोस्तों आपको दो टाइप के मेन्यू स्टाइल मिल जाते हैं, तो आप मेन्यू स्टाइल को लिस्ट टाइप या ग्रिड टाइप भी रख सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगता है। एंड इसके बाद यहाँ पे देखें तो वाइब्रेशन का ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ से दोस्तों आप वाइब्रेशन को हाई, मीडियम या लो पे रख सकते हो, जैसा भी आपका यूज़ है। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रिस्ट टू राइज का ऑप्शन मिल जाता है। एंड यहाँ पे देखें तो इसके बाद यहाँ पे QR कोड दे रखा है ऐप इंस्टॉल करने के लिए।
एंड इसके बाद देखें तो यहाँ पे आपको पावर ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, वॉच को अगर आपने पावर ऑफ करना है तो कर सकते हो। एंड यहाँ पे इसके बाद देखें तो रीसेट का ऑप्शन दे रखा है। इसके बाद यहाँ पे देखें तो आपको अबाउट का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इस वॉच की। एंड दोस्तों इस साइड अगर आप स्लाइड करते हो तो देखिए यहाँ पे आपको एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, स्टेप्स, कैलोरीज वगैरह आपने कितनी बर्न करी है। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे आपको स्लीप मॉनिटरिंग का डाटा मिल जाएगा। एंड इसके बाद देखिए तो यहाँ पे आपको हार्ट रेट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यहाँ पे आपको वेदर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके बाद देखिए तो आपको म्यूज़िक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। एंड दोस्तों नीचे से ऊपर की तरफ अगर आप स्लाइड करते हो तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस वॉच का मेन मेन्यू मिल जाता है। तो इस वॉच के जितने भी ऑप्शन है, जितने भी फीचर है, वो यहाँ पे आपको सारे मिल जाते हैं। तो चलिए आपको सारे बता देता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे वर्कआउट मोड मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वर्कआउट मोड देखने को मिल जाते हैं। एंड इसके बाद देखें तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। एंड इसके बाद देखें तो यहाँ पे आपको हार्ट रेट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे SpO2 का ऑप्शन मिल जाता है, ये देखिए। इसके बाद यहाँ पे आपको स्लीप मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद देखें तो यहाँ पे आपको वेदर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड इसके बाद यहाँ पे देखें तो देखिए ब्रीदिंग की एक्सरसाइज आप कर सकते हो इस वॉच में। एंड यहाँ पे म्यूज़िक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है आपको। एंड यहाँ पे आपको अलार्म का ऑप्शन मिल जाता है, अलार्म आप सेट कर सकते हो इस वॉच में। एंड इसके बाद देखें तो यहाँ पे आपको टाइमर का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉप वॉच का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको रिमोट कैमरे का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो वॉच को आप एज आ रिमोट कैमरा भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पे आपको फाइंड फ़ोन का ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आपका फ़ोन नहीं मिल रहा है तो ऐसे आप अपना फ़ोन फाइंड कर सकते हो। एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे लास्ट में सेटिंग का ऑप्शन दे रखा है, तो सेटिंग वाले सारे ही ऑप्शन वही हैं जो पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों इस वॉच का जो मेन स्टाइल है वो मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों चाहो तो आप इस वॉच का मेन स्टाइल ऐसा भी रख सकते हो, लिस्ट टाइप भी रख सकते हो या ग्रिड टाइप भी रख सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों जो वॉच का टच रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो UI दे रखा है इस वॉच में वो काफ़ी अच्छा दे रखा है, काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहा। तो चलिए दोस्तों आपको इस वॉच की मोबाइल ऐप भी दिखा देता हूँ, कैसी मोबाइल ऐप है। तो दोस्तों मोबाइल ऐप में अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको वेदर की इन्फॉर्मेशन सबसे ऊपर मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टेप्स की, कैलोरीज की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एंड यहाँ पे डायल सेंटर का ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ से आप वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको स्लीप मॉनिटरिंग का सारा डाटा मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको हार्ट रेट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको SpO2 की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आपको एक्सरसाइज का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे आप वर्कआउट कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट जो स्पोर्ट्स मोड है वो आप यूज़ कर सकते हो। एंड दोस्तों ये जो वॉच है ये फ़ोन का ही GPS यूज़ करती है, यहाँ पे आपको GPS का सपोर्ट मिल जाता है लेकिन फ़ोन के साथ ही GPS शेयर होता है। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट में मेक ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए वॉच हमारे फ़ोन से कनेक्टेड है, बैटरी दिखा रहा है 64% ये वॉच चार्ज है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए यहाँ से आप वॉच को अपडेट कर सकते हो, और अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं ये लेटेस्ट वर्जन है, वॉच हमारी पहले से अपडेट है। एंड इसके बाद यहाँ पे आप यूनिट चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए आप वेट को KG में या लेंथ को आप किलोमीटर्स में या टेम्परेचर वगैरह की सेटिंग को यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप टाइम फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो, 12 आवर्स या 24 आवर्स आप रख सकते हो, जैसा भी आपका यूज़ है। इसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको यूज़र मैनुअल मिल जाती है इस ऐप में। एंड इसके बाद देखें तो आप यहाँ से वॉच को फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको काफ़ी सारे स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं, तो जो भी स्पोर्ट्स मोड आपको यूज़ करने हैं वो यहाँ से आप ऐड या रिमूव कर सकते हो, वॉच में आप चेंज कर सकते हो, जो आपका यूज़ का नहीं है वो आप रिमूव कर सकते हो और जो आपको यूज़ करना है वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको स्विच सेंटर का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप दोस्तों वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों ऐप में आपको काफ़ी सारे वॉच फेसेस मिल जाते हैं, जो भी आपको दोस्तों सूटेबल लगता है वो यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो। एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आपको कैमरे का ऑप्शन मिल जाता है, तो वॉच को आप एज अ रिमोट कैमरा भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे देखें तो नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है आपको, तो दोस्तों जो भी नोटिफिकेशन आपको चाहिए आपके स्मार्टफोन वाले वॉच में वो नोटिफिकेशन आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे आप मैसेज हो गया, यूट्यूब हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो वो नोटिफिकेशन आप यहाँ से ऐप में ऑन कर सकते हो। एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आपको कॉल रिमाइंडर मिल जाता है, तो यहाँ से आप कॉल रिमाइंडर भी इनेबल कर सकते हो। एंड इसके बाद देखें तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर सेटिंग ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप सेडेंट्री अलार्म या ड्रिंकिंग रिमाइंडर वगैरह ऑन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको हार्ट रेट की सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप जो हार्ट रेट की सेटिंग है वो कर सकते हो, अगर आपको कॉन्टीन्यूस हार्ट रेट वाला फीचर ऑन करना है तो वो भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फाइंड डिवाइस का ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आपकी वॉच नहीं मिल रही है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो, आपकी वॉच जो है वाइब्रेशन करने लग जाएगी तो आप वॉच को फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए बैकग्राउंड परमिशन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। एंड यहाँ पे मोड सेटिंग का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे कुछ ये मोबाइल ऐप दे रखी है, यहाँ पे मोबाइल ऐप में आपको सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है मिल जाते हैं।
तो चलिए दोस्तों एक वॉच फेस अपडेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे वॉच फेसेस आपको मिल जाते हैं, तो ये वाला वॉच फेस अभी मैं अपडेट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए जो वॉच फेस है वो अपडेट हो चुका है। और यहाँ पे देखिए डिस्प्ले की जो क्वालिटी है इस वॉच में वो काफ़ी अच्छी दे रखी है, कलर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा रिच देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट भी काफ़ी अच्छा दे रखा है, एंड डिस्प्ले में क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो डिस्प्ले जो है इस वॉच में काफ़ी अच्छी दे रखी है। तो चलिए दोस्तों एक कस्टमाइज वॉच फेस भी सेट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टमाइज वॉच फेस सेट हो चुका है और देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों आपको वॉच पहन के दिखाता हूँ। तो ये वाली वॉच अभी हम उतार देते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ लुक आपको मिलता है जब आप वेयर करते हो इस वॉच को, और दोस्तों देखने में वॉच हाथों में काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड यहाँ पे अगर मैं फील की बात करूँ तो इन हैंड फील जो है इस वॉच का काफ़ी अच्छा है, वॉच काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड यहाँ पे अगर आप रिस्ट टू वेकअप की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे रिस्ट टू राइज काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, एक बार भी मिस नहीं हो रहा है। एंड वॉच की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो चलिए दोस्तों इस वॉच में अभी हम SPU2 लेवल चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो SPU2 लेवल है ये वॉच दिखा रही है 98 या 97% के आसपास। तो यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है इस वॉच में वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट आ रही है। तो चलिए दोस्तों अभी इस वॉच में अभी हम हार्ट रेट भी चेक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो हार्ट रेट है इस वॉच में आ रहा है 95 BPM, और मेरा जो हार्ट रेट है मोस्टली 90 के आसपास ही रहता है। तो यहाँ पे जो आपको हार्ट रेट रीडिंग मिल जाती है इस वॉच में वो काफ़ी एक्यूरेट मिल जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों इस वॉच के जो सेंसर्स है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, आपको एक्यूरेट रीडिंग्स इस वॉच में मिल जाती है। तो दोस्तों ऐसे कुछ कॉल नोटिफिकेशन आपको इस वॉच में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देखिए कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हो, या आप कॉल को साइलेंट भी कर सकते हो, बट यहाँ पे आप देखिए कॉल को रिसीव नहीं कर सकते हो एंड ना ही आप रिप्लाई कर सकते हो। एंड दोस्तों ऐसे कुछ आपको नोटिफिकेशन इस वॉच में देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आप नोटिफिकेशन रीड कर सकते हो बट आप यहाँ पे रिप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको अपना फाइनल ओपिनियन बताता हूँ इस वॉच के बारे में जो मैंने ऑब्जर्व किया। तो दोस्तों इस वॉच में आपको डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी को लेकर कोई भी कमी नहीं है इस वॉच में। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले को लेकर, तो डिस्प्ले भी इस वॉच की काफ़ी अच्छी दे रखी है, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, कलर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, एंड क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी है, एंड आउटडोर विजिबिलिटी भी इस वॉच की काफ़ी अच्छी है। एंड यहाँ पे जो आपको एक कर्व ग्लास देखने को मिल जाता है ये भी इस वॉच की लुक को काफ़ी अच्छे से बढ़ा देता है। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बैटरी बैकअप को लेकर, तो बैटरी बैकअप भी इस वॉच का काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसे मीडियम ब्राइटनेस पर यूज़ करते हो तो फुल चार्ज में आराम से आप इसे एक हफ्ते तक या 10 दिन तक यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पर अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूँ तो जो सेंसर इस वॉच के काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, आपको काफ़ी हद तक एक्यूरेट रीडिंग्स मिल जाती है इस वॉच में। एंड यहाँ पे अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर एक वॉच में होने चाहिए वो यहाँ पे आपको सारे ही मिल जाते हैं, बट यहाँ पे आपको कॉलिंग वाला फीचर नहीं मिलता। और वैसे भी मुझे कॉलिंग वाला फीचर वॉच के अंदर तो यूज़लेस ही लगता है, अच्छे से कॉलिंग हो नहीं पाती है। तो दोस्तों डेफिनेटली दोस्तों आप इस वॉच को परचेस कर सकते हो, आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। 2,000 से 2,500 के बीच में इसका प्राइस मोस्टली रहता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नवी चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।